मेरा नाम है दीप्तनु, आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनु शील को। दोस्तों, आप में से बहुत सारे दोस्तों का एक क्वेश्चन आज के डेट पे कॉमन आ रहा है, वो है कि सर ये सारे सिंबल क्या है। और उसके ऊपर आप लोगों का एक और क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये सिंबल जो है येलो कलर का दिखा रहा है, कभी ग्रीन कलर का दिखा रहा है, कभी तो हाईलाइटेड ब्लैक में दिखा रहा है, ये सारे चीज है क्या, आखिर ये सारे सिंबल है क्या और इसका क्या मतलब है पेज से और हमारे कंटेंट से, आप थोड़ा सा विस्तार पे बता दो। तो आज का ये वीडियो हर एक क्रिएटर के लिए बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल और वैल्यूएबल होने वाला है, तो वीडियो को कहीं से स्किप मत करना, पूरा देखना तो ही पूरा नॉलेज मिलेगा। दोस्तों, बिना कि आपको बोर्ड, चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये हालांकि एक इमेज पोस्ट आप मान के चलो, तो ये जो अभी आप लोग देख रहे हो यहाँ पे रॉकेट वाला एक जो इनविजिबल है, ये विजिबल नहीं है। जब विजिबल होगा तो ये हाईलाइटेड होगा, जैसे कि यहाँ पे CC हाईलाइटेड करके रखा है, ऐसे हाईलाइटेड होगा। तो ये इनविजिबल पे ये ऑप्शन रहता है, इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन जो है बूस्ट का है, यहाँ पे बूस्ट नहीं किया गया है, इसीलिए ये इनविजिबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ही मैं कर्सर को लेके आता हूँ तो नॉट बूस्टेड लिखा है। इसका मतलब आप जब पैसा दे के कोई भी पर्टिकुलर पोस्ट को आपके पेज पे बूस्ट करोगे तब ये जो है ये हाईलाइटेड रहेगा, ये रॉकेट वाला सिंबल वही कहता है। दूसरा, अगर बात करो थोड़ा सा नीचे जाके, यहाँ पे जो डॉलर सिंबल, ये तो सबको मालूम है, सबसे पॉपुलर है हर एक क्रिएटर के लिए। ये अभी जो है इनविजिबल है, मतलब हाईलाइटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नॉट मोनेटाइज पेज है। जब पेज मोनेटाइज हो जाएगा, वीडियो पे ग्रीन डॉलर आएगा, तो ये जो डॉलर का सिंबल है वो ग्रीन हो जाता है। अगर मोनेटाइजेशन पे पर्टिकुलर वीडियो पे कुछ प्रॉब्लम है तो ये येलो कलर का रहता है, और अगर मोनेटाइज नहीं है तो ये इनविजिबल जैसे अभी है वैसा रहता है। और उसके साथ ये जो देख रहे हो सी, ये भी बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं ये सी का मतलब क्या है सर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट ए रेफरेंस फाइल, इसका मतलब है जब आपको फेसबुक पे राइट मैनेजर टूल का एक्सेस मिलता है, जहाँ पे हम लोग हमारे कंटेंट को कॉपीराइट करके रख सकते हैं, उस केस पे अगर आपको रेफरेंस फाइल का एक्सेस मिलता है तो आप भी आपके इस कंटेंट को यूनिक कंटेंट आईडी के द्वारा, रेफरेंस फाइल के द्वारा जो है रेफरेंस पे ऐड करके रख सकते हो, तब ये जो सी है विजिबल होगा। अगर कोई भी आपके कंटेंट को कॉपी करेगा तो उसके जगह पे ये जो सी है वो विजिबल हो जाएगा और उनको भी पता चलेगा हाँ ये रेफरेंस फाइल डाला गया है और ये सी जो है वो कॉपी कंटेंट के वजह से आ रहा है। तो उस टाइम पे आपके कंटेंट को अगर कोई भी दूसरा आदमी डालेगा और आपने रेफरेंस डाल के रखे हो तो उस पर क्लेम जाएगा, तो उसका जो पैसा है वो पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। यही है ये सी का मतलब, होप आप लोग समझ गए होंगे। अब बात ये आता है नीचे जो ये वाला ऑप्शन है, एरो एक राइट साइड पे, एरो एक लेफ्ट साइड पे, इसका क्या मतलब है सर। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे ही मैं कर्सर को लेके जाता हूँ, नॉट ए क्रॉस पोस्ट, इसका मतलब है ये सिंबल क्रॉस पोस्ट के लिए है। फेसबुक पे जो हम हमारे पेज के कंटेंट को दूसरे पेज पे क्रॉस पोस्ट करते हैं उसका है। जब भी आप आपके पेज के कंटेंट को क्रॉस पोस्ट करोगे तो ये जो सिंबल है वो हाईलाइटेड हो जाएगा, जो कि यहाँ पे CC हाईलाइटेड है वैसे ही। और ये रॉकेट वाला तो मैंने बता ही दिया, बूस्ट जब करोगे, पैसा दे के एड रन करोगे आपके कंटेंट पे, तब ये हाईलाइटेड होता है। और ये वाला तो बहुत ही अच्छा फीचर है, टेस्टिंग वाला, AV टेस्टिंग वाला, जहाँ पे आप लोग आपके एक ही कंटेंट का चार चार जो है वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो और टेस्ट कर सकते हो प्री पोस्ट, मतलब फाइनली एक पोस्ट आपके पेज पे आने से पहले आप जो है डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन का टेस्ट कर सकते हो इस ऑप्शन के थ्रू। इसीलिए ये ऑप्शन जो है यहाँ पे शो हो रहा है, हालांकि इस कंटेंट को प्री टेस्ट नहीं किया गया है इसीलिए ये हाईलाइटेड नहीं है। जब प्री टेस्ट की करके अपलोड किया जाएगा तो यहाँ पे जो है ये हाईलाइटेड शो होगा, तो इसीलिए ये अभी हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि इसको प्री पोस्ट नहीं किया गया है, या फिर आप कह सकते हो पोस्ट टेस्ट जो है उसका हुआ नहीं है। अब दोस्तों, सबसे जो नया आप लोगों को आज के डेट पे ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है वो है ये CC वाला। ये क्या है दोस्तों? इसका मतलब है कंट्रोल कैप्शन, ये कैप्शन के वजह से यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस कैप्शन वाला पार्ट का, तो यहाँ पे आपको तीन डिफरेंट कलर देखने के लिए मिल रहा है आज के डेट पे। एक तो है येलो कलर का आ रहा है, एक ग्रीन कलर का आ रहा है और एक हाईलाइटेड आ रहा है, और बाकी दोस्तों एक जो है बिना हाईलाइट के भी आ रहा है जो कि ये वाला है। यहाँ पे देख सकते हो ये हाईलाइट नहीं है।
अब आप लोगों को ये समझना है कौन सा हाईलाइट आ रहा है, कौन सा नॉन हाईलाइट आ रहा है और क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले से फॉर एग्जांपल ये पहले हाईलाइटेड वाला ही हम लोग पकड़ लेते हैं। यहाँ पे हाईलाइटेड आ रहा है और ये कहाँ से आ रहा है ये समझने के लिए हम वीडियो को एडिट तीन डॉट जो है ये तीन डॉट पे क्लिक करके एडिट पोस्ट पे क्लिक करेंगे ताकि आप लोग समझ पाओ मैं जो कंट्रोल कैप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ वो कहाँ से एक्चुअल में आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी एडिट मोड ऑन हो गया और यहाँ पे आप लोगों को राइट हैंड साइड पे एक कैप्शन का ऑप्शन मिलेगा। जो भी बंदा अपने वीडियो को अपलोड करते टाइम ये कैप्शन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको चेक करेगा, मतलब ऑन करेगा चेक करके, उसी को ये जो ऑप्शंस है वो डिफरेंट डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। अगर ये ऑफ रहेगा तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपके वीडियो के लिए ऑटो जनरेटेड कैप्शन जो है रेडी हो रहा है। आप वीडियो पे जो भी भाषा पे बात कर रहे हो उसका एक कैप्शन जनरेट हो रहा है जो कि नीचे टेक्स्ट के जैसा दिखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे ब्लैक इसलिए है क्योंकि ये जो है अभी अंडर रिव्यू पे है, रिव्यू होने के बाद जो है दोस्तों इसका चेंज हो जाएगा। तो ये अभी भी प्रोसेस चल रहा है इसीलिए ये अभी ब्लैक कलर पे आपको दिखने के लिए मिल रहा है क्योंकि इसका प्रोसेस जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। जब रिव्यू खत्म हो जाएगा और फाइनली ऑटो जेनरेटेड टेक्स्ट इस कंटेंट के लिए रेडी हो जाएगा तब आपको इसका स्टेटस चेंज दिखेगा। तब आपको कौन सा स्टेटस दिखने के लिए मिल सकता है, एक तो जैसे ही रिव्यू खत्म हो जाएगा फाइनल ऑटो जेनरेटेड टेक्स्ट रेडी हो जाएगा तो आपको हो सकता है येलो कलर का दिखने के लिए मिले, हो सकता है ग्रीन कलर का दिखने के लिए मिले। ग्रीन कलर का तब दिखने के लिए मिलेगा जब फाइनल ऑटो जेनरेट टेक्स्ट आपके वीडियो पे आ जाएगा या फिर इस पे और कोई रिव्यू के जरूरत नहीं होगा, ऑटो जेनरेट टेक्स्ट को प्लेस कर देगा। अगर आपको ये ग्रीन नहीं देखने के लिए मिलेगा तो आपको येलो मिल सकता है। येलो का मतलब होता है हाँ ऑटो जेनरेट टेक्स्ट तो रेडी हो गया है मगर उस पे मैनुअल रिव्यू के जरूरत है, आप जाके आपके उस टेक्स्ट को जो है मैनुअल रिव्यू करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है रिव्यू टू ऐड टू वीडियो, मतलब ये ऑटो जेनरेट टेक्स्ट रेडी हुआ है मगर अनपब्लिश करके रखा है, फेसबुक ने उस ऑटो जेनरेट टेक्स्ट को पब्लिश नहीं किया है क्योंकि आपका रिव्यू चाह रहा है। जैसे ही आप जाके यहाँ पे दोस्तों एडिट पे आके यहाँ पे रिव्यू पे क्लिक करके खुद रिव्यू कर लोगे और फिर से देख लोगे कि ऑटो जनरेट टैग जो हुआ है वो बराबर से हुआ कि नहीं हुआ है, यहाँ पे सारे आता है आप देख सकते हो यहाँ पे एक एक करके आ रहा है, ये सब चेक कर लोगे, फाइनल एडजस्टमेंट कर लोगे और अप्रूव मारोगे उसके बाद ही ये जो है येलो कलर हटेगा और फिर ये ग्रीन होगा। बाकी फेसबुक के जो सिस्टम है, फेसबुक के जो बॉट है उसको जिस पे ही लगेगा कि नहीं हमने जो ऑटो जनरेट टेक्स्ट क्रिएट किया है पर्टिकुलर वीडियोस के लिए ऑन करने पे वो बराबर से हुआ है तो फेसबुक उसको पब्लिश कर देता है। जब पब्लिश कर देगा तब ये ग्रीन कलर का आएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो हैज ऑटो जनरेटेड कैप्शन, इसका मतलब है कि आपके वीडियो पे ऑलरेडी ऑटो जनरेटेड कैप्शन जो है वो लगा दिया गया है। अगर नहीं लगा दिया जाएगा तो आपको जाके फिर जो कलर है उसके मुताबिक चेक करना पड़ेगा। येलो यानी कि ऑटो जनरेट टेक्स्ट रेडी हुआ है मगर आपके ह्यूमन रिव्यू होने के बाद ही उसको पब्लिश किया जाएगा, और जो ब्लैक है वो अभी अंडर रिव्यू पे है या फिर जनरेट हो रहा है, अभी भी कॉम्प्लीट नहीं हुआ है मगर काम चल रहा है, ठीक है। और जैसे ही वो कॉम्प्लीट होगा उसके बाद ही आपको डिसीशन मालूम पड़ेगा, इसीलिए ये ब्लैक कलर में आ रहा है। और ये जो है ये अभी तक प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो हैज नो कैप्शन, यहाँ पे आपने तो ऑटो जनरेशन के लिए ऑन किया है मगर प्रोसेस जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है या फिर कुछ ही टाइम पे रिव्यू पे जाएगा स्टार्ट होगा, इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मैं थोड़ा सा कैप्शन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटो ऑन है मगर अभी तक वो रिव्यू नहीं हुआ है, रिव्यू होगा स्टार्ट होगा, जल्दी रिव्यू स्टार्ट होगा और उसके बाद सब कुछ जो है रेडी हो जाएगा। जब रेडी हो जाएगा तब ब्लैक कलर का आना शुरू होगा और फिर ब्लैक कलर से चेंज होके वो येलो या फिर ग्रीन में आपको रिजल्ट बताएगा। तो ये सारे जो ऑप्शन अभी आपके वीडियोस पे आ रहा है ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि आप जो है ऑटो जनरेट कैप्शन को ऑन कर रहे हो आपके वीडियो पे, अगर ये ऑफ रहेगा तो ये सारे इनविजिबल रहेगा, भले आपके वीडियो पे सीसी रहे मगर सीसी इनविजिबल रहेगा। तो ये
जो ऑप्शंस है दोस्तों, इनको लेके आप लोगों के मन में काफी सारे डाउट रहते हैं। होप आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों के सारे जो डाउट होते हैं इन सारे ऑप्शन को लेके, और बहुत सारे लोग बोलते हैं आज के डेट पे कि ये सीसी वाला ऑप्शन पहले नहीं देखा, अब न्यू आ रहा है, ये पहले से ही था, मगर हम लोग ऑटो जनरेट जो ऑप्शन है उसको ऑन नहीं करते थे, इसलिए आपको शायद देखने के लिए नहीं मिला है। अभी आप लोग ऑन कर रहे हो इसलिए आपको देखने के लिए मिल रहा है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट कलर पे, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन पे। होप गाइस आज के इस वीडियो से हर एक क्रिएटर को कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना, कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नया आया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, ताकि ऐसे वीडियो आने वाले वक्त पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों, बाय।